रॉकेट कैसे उड़ता है पूरी कहानी हम लोग समझते हैं। देखो ये रॉकेट है, इस रॉकेट में इस ऊपर चेम्बर में कुछ भी भरा होता होगा, इस पे अपना सैटेलाइट वो जो भी डालना है वो लोग डालते हैं, उसका वजन, इसके जो खाली सेल होता है खोखा लोहे का जो कवर है उसका भी तो वजन होगा। अच्छा नीचे इसमें रॉकेट का फ्यूल होता है, रॉकेट के फ्यूल में दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्यूल यानी लिक्विड हाइड्रोजन बोलते हैं और दूसरा होता है लिक्विड ऑक्सीजन भी। क्यों दोनों होता है? ये इसके प्रेजेंस में ही जलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई चीज बर्न होता है। यानी याद रखो इसमें दो चीज होती है रॉकेट के अंदर, एक होता है फ्यूल और दूसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक होता है फ्यूल, दूसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ही प्रेजेंस में फ्यूल जलता है। उसके बाद यहां नोजल होता है, नोजल यानी ऐसा होल जैसा। इस होल से तुमने देखा होगा बहुत तेजी से पीछे की तरफ क्या निकलती, गैस, आग जलता है। तुम देखे होगा पिक्चर में रॉकेट में आग जलता है ऐसे पीछे, या जो अपन पटाखा उड़ाते हैं रॉकेट वो भी तो ऐसा ही लगभग रहता है, नीचे से गैस फेंकता है ऐसा तेजी से तो ये आगे भागती है। मान लो ये गैस पीछे नहीं निकले तो ये आगे नहीं जा सकती, बराबर है? ध्यान से समझेंगे इस बात को। तो क्या होगा कि रॉकेट के अंदर क्या क्या होता है? तो रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये आपका फ्यूल है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो रॉकेट में, इन रॉकेट फ्यूल इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब ये रॉकेट जलते जलते ऊपर जाएगा तो रॉकेट का वजन कम होगा ना। ध्यान से समझना, आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा है, उसमें आपको पढ़ाया गया है एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और मोमेंटम का फॉर्मूला आपने डाला था डी बाई डी टी ऑफ एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। और आपने इसका किया था मास को कांस्टेंट मान के बाहर ले लिए थे और डीवी बाई डी टी निकले थे, एम इंटू ए एक्सेलरेशन इसको लिख दिए, डीवी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेल। ये तब संभव है जब मास क्या हो, कॉन्स्टेंट। ये तब संभव है जब मास क्या है, कांस्टेंट। क्यों? तुमने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट ही बाहर आता है। अगर मान लो वेरिएबल है तो बाहर आएगा, नहीं आएगा। बट रॉकेट में तो मास वेरिएबल है, रॉकेट में तो मास वेरिएबल है। तो वेरिएबल मास के केस में बच्चों प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएशन होता है। कौन सा रूल लगा के डिफरेंशिएशन होगा? प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है? ध्यान से समझना, यहां पर मास वेरिएबल है रॉकेट के केस में, याद रखना। इन केस ऑफ रॉकेट या कोई और भी ऐसा एग्जांपल, जैसे कोई कार चल रही, कार से हम सामान बाहर फेंक रहे धीरे धीरे, तो मास कम हो रहा ना, उन सभी पे तुम न्यूटन का लॉ नहीं लगा सकते हो, सेकेंड लॉ याद रखना। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं डीपी बाई डी टी, एफ इक्वल टू एम ए नहीं लगा सकते। एफ इक्वल टू एम ए फॉर्मूला तभी वैलिड है जब मास क्या हो, कॉन्स्टेंट, ठीक है? इन केस ऑफ रॉकेट मास इज वेरिएबल, मास वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है बताइए? क्यों वेरिएबल है? क्योंकि बाहर की तरफ क्या हो रहा है, गैस, ये जल जल के, दोनों जल जल के कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। बिकॉज फ्यूल बर्न आउट, फ्यूल बर्न होके बाहर हो जा रहा है, समझ में आया? मास डिक्रीज हो रहा है इसका, मास ऑफ रॉकेट डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में रॉकेट का मास घटेगा, सो वी कैन नॉट यूज एफ इक्वल टू एम ए फॉर्मूला फॉर वेरिएबल मास। वेरिएबल मास के लिए आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, ये तभी यूज होगा जब मास क्या है, कांस्टेंट। अभी हमने दिखाया ये फॉर्मूला का डेरिवेशन तब हुआ था जब मास को आप कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लिए थे। अगर आप मास को कांस्टेंट मान के बाहर नहीं निकालो तो ये फॉर्मूला आ ही नहीं सकता।
तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते रॉकेट के केस में। तो भाई फिर रॉकेट का एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? हम लोग ये फॉर्मूला क्यों यूज करते थे? याद करो पुल्ली का सवाल बनाया, 10 सवाल बनाया हो तुम, नेट फोर्स इक्वल टू एम इनटू ए, क्या के लिए? एक्सेलरेशन निकालने के लिए। अरे एक्सेलरेशन निकलेगा तो सब निकल जाएगा। तो हाउ वी विल फाइंड द एक्सेलरेशन? अब हमारे पास एक समस्या पैदा हो गया कि देन हाउ वी विल फाइंड, कैसे हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट निकालेंगे? अगर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करने दोगे तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन पैदा हो गया भाई मेरे मन में, बड़ा समस्या है यार। तो हम लोग यूज करेंगे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या यूज करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको लिखो स्टार लगा के, डबल स्टार। क्या कि रॉकेट, रॉकेट ऊपर जाने को क्या बोलते हैं? रॉकेट प्रोपल्शन ही बोल देते ना, कुछ नहीं होता। रॉकेट प्रोपल्शन होता समझ रहे, रॉकेट का उड़ना। रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये याद रखना, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम भी दो प्रकार का है, लीनियर और एंगुलर, तुमने तो पढ़ा है सब। रॉकेट का उड़ना, गन फायर होना, ये सब किस पे आधारित है? बॉम्ब का फूट जाना, हमने आपको पढ़ाया होगा, हमने आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ाया है, ढेर सारे एग्जांपल दिए होंगे। एग्जांपल दिए थे कि बॉम्ब फूटता है तो दो दिशा में क्यों उड़ता है, दिए थे कि नहीं? गोली आगे गई तो गन को पीछे जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। यहां पर भी वैसा ही कुछ होगा, ध्यान से सुनेंगे। कैसे, कैसे आधारित है, कैसे आधारित है, तो सुनो हम तुमको कहानी समझाते हैं। तो शुरुआत में, शुरुआत में बच्चों क्या होता है, रॉकेट रेस्ट में है, शुरू में रॉकेट रेस्ट में है, तो बताइए इसका मोमेंटम कितना है? जीरो। ठीक है, जीरो है अभी। अब तुमने गैस, माचिस जलाया, रॉकेट उड़ने लगी, पीछे की तरफ गैस आने लगा बाहर, तो गैस तो इसी में से जल के बाहर निकल रहा, यानी कुछ मास इसका बाहर निकल रहा है, ध्यान समझना। मान लो कुछ मास इसका डीएम बाहर निकलने लगा, थोड़ा सा, थोड़ा मास है इसलिए डीएम ले रहे, थोड़ा सा मास बाहर आ गया और वेलोसिटी वे बाहर निकल, तो मास और वेलोसिटी मिलके क्या बनाएगा? मोमेंटम। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मान लो कुछ मोमेंटम बन गया इधर 10, शुरू का मोमेंटम जीरो था, बाहर से किसी ने धकेलते नहीं रॉकेट को, हम ऐसे से हलाते तो नहीं है, खींचते तो नहीं है, नहीं, अपने आप जल के उड़ता है वो, बाहर से हम तो कोई फोर्स लगा नहीं रहे इसमें, पहले में जीरो था मोमेंटम, तुमने माचिस जलाया, मोमेंटम नीचे की तरफ 10 मोमेंटम आ गया। अब ये लॉ बोलता है कि भाई इस मोमेंटम को कैंसिल करना पड़ेगा। तुम सोचो मोमेंटम वेक्टर है, नीचे की तरफ 10 मोमेंटम बन गया, क्यों बन गया? कुछ गैस जल के नीचे की तरफ निकलने लगी, मोमेंटम क्रिएट कर दी। इसको कैंसिल करने के लिए रॉकेट कहां उड़ना चालू करेगा? ऊपर 10 से, 10 माइनस 10 जीरो, फिर गैस और जम से जला, और तेजी से गैस में आग निकली, और मास नीचे निकला, ज्यादा जम से स्पीड हुआ 20, ये भी 20, 30 वो भी 30, 40 वो भी 40, इस तरह से रॉकेट का स्पीड बढ़ते जाता, हमेशा मोमेंटम जीरो रहता उसका। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही है भाई, मोमेंटम तो जीरो ही रखना पड़ेगा। मोमेंटम जीरो रखने के लिए रॉकेट सनसना के ऊपर भागती है, गैस सनसना के नीचे निकलता है, रॉकेट के ऊपर भागना पड़ता है मोमेंटम जीरो बनाने के लिए। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? तो देखो, बर्नट गैसेस रिलीज इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस सम मोमेंटम। टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रॉकेट स्टार्ट मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
रॉकेट आगे की ओर उड़ने लगता है। यहां एक लाइन छूट गया, आप लिख लें कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज जीरो, शुरू का मोमेंटम रॉकेट का कितना है, जीरो है, इसीलिए ऐसा। ठीक है, यहां पे आप लिख लें, यहां पे एक लाइन जरूर लिख लें, इनिशियल मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज जीरो एंड बर्नट गैसेस रिलीज आउट, जला हुआ गैस पीछे निकलता है और कुछ मोमेंटम बना देता है। इस लॉ को पालन करने के चक्कर में वो रॉकेट को कहां जाना पड़ता है, आगे उड़ना पड़ता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक सवाल अभी भी हमने जवाब नहीं दिया, भाई रॉकेट का एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो चलिए इसमें हम लोग लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने नोट कर लिया जितना लिखा हुआ है, तो एक रॉकेट है, इसको लगाए हैं, सेटेलाइट ले जाएगा ऊपर में तरफ बेचारा। अभी एम नॉट मास, एम नॉट मतलब रॉकेट का मास, उसके खोखा सेल का मास और उसके अंदर फ्यूल यूल सब पूरा मिलाकर के एम नॉट वजन है इसका। अच्छा, शुरू में रेस्ट में है बेचारा, चुपचाप खड़ा है मुंह बना के। टाइम इक्वल टू जीरो सेकेंड थे, अभी रेस्ट, अभी उड़ने वाला है, जीरो के बाद अब उड़ेगा। अब चालू करो रॉकेट, आग लगाए, माचिस लगा दी, माचिस तो नहीं लगाते अपने आप चालू होता हूं यार। जैसे हमने माचिस लगाया, उड़ने लगाई रॉकेट, जाने लगा ऊपर। ध्यान समझना बच्चों, रॉकेट कैसे ऊपर जाने लगा, नीचे की तरफ गैस निकलना चालू हुआ, अभी रॉकेट ऊपर उड़ना चालू किया। शुरू का कुछ स्पीड है v, शुरुआत का स्पीड कितना है v। अब इसका मास, ध्यान सुनेंगे, अब इसका मास m है, m जो कि t टाइम बाद है। m मास कितने देर बाद है, t टाइम के बाद है। ठीक है, और ये भी स्पीड से उड़ रहा है, टाइम अभी हो गया t, मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे कुछ बाद है। थोड़ी देर बाद इसको और देखा गया, थोड़ी देर बाद मतलब हम लोग कहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लो ये रॉकेट शुरुआत को भूल जाओ, मान लो ये रेस्ट में था, इसको भूल जाओ, तो यहां से सोचो अभी रॉकेट ये जमीन से उड़ के यहां आया, हम यहां पर रॉकेट को देखे उस वक्त इसका मास कुछ एम था, एम नॉट नहीं था, एम नॉट से कम होगा, एम कुछ गैस निकल गया होगा, ये एम जो होगा एम नॉट से क्या होगा, कम। हमने देखो फिजिक्स में क्या होता है, कहां से कहां तक ऑब्जर्व कर रहे हो, ये जरूरी है, ये जरूरी है। जैसे क्वेश्चन आया था कि कार है 50 से चल रही है, 20 हो गया 2 सेकंड में, तो बताओ, तो कोई बोलेगा शुरू में जीरो, क्यों, कभी ना कभी तो कार स्टार्ट हुई होगी चलना। अरे यार ऐसे थोड़ी सोचा जाता फिजिक्स में, हमने बोला ना कार चल रही है 20 से, मतलब यहीं से सोचो, जब 20 है उस वक्त से आप सोचना चालू करो, उसके पहले क्या हुई है ये सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये रॉकेट रुकी हुई थी, उड़ने लगी, उड़ते उड़ते हम कुछ देर बाद, मान लो हम टी टाइम पे 1 मिनट 2 मिनट के बाद 9 बजे, मान लो ऐसा 9 बजे हमने देखा रॉकेट का मास अभी एम है, कुछ कम ज्यादा होके, और भी स्पीड से अभी रॉकेट उड़ रही है। फिर 9:01 में हमने फिर देखा, 9:01 बाद हमने थोड़ी देर बाद और देखा कि क्या परिवर्तन हो रही है, तो क्या दिखेगा हमको कि थोड़ा सा मास, एकदम थोड़ा सा मास रॉकेट का कम हो गया होगा, कम हो गया होगा कि नहीं, कम हो गया होगा, एम माइनस डीएम हो गया, और डीएम मास नीचे की तरफ जल के निकल गया, थोड़ा सा मास एकदम कम हो गया और रॉकेट का स्पीड थोड़ा सा बढ़ गया होगा, वी प्लस डीवी हो गया। बोलिए ये बात हजम हो गई, और डीवी स्पीड से नीचे की तरफ गैस जा रहा है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई तो बताएंगे, हाँ नहीं आई तो ना बोलो। देखिए ध्यान से हम समझते हैं एक 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 चीज क्या है। एम नॉट, एम नॉट है रेस्ट मास ऑफ रॉकेट, रेस्ट मास ऑफ रॉकेट। इसमें ना दो चीज शामिल है, एक तो मास ऑफ रॉकेट है और विथ उसके साथ फ्यूल भी है। अब ये रॉकेट उड़ना चालू नहीं किया, इस वक्त ये रेस्ट में है, तो मानो रेस्ट में, ठीक है, मान लिखा रेस्ट में। अब देखो एम जो है वो क्या है, मास ऑफ रॉकेट विथ फ्यूल, बट अभी रॉकेट उड़ रहा है, अरे एट टाइम टी किसका मास चालू हो गया रे, मास ऑफ रॉकेट जिसका घर अंदर है उसके लिए ऑनलाइन क्लास ठीक है, तरह से क्यों कह पे पोको नहीं आता है आज,
हम लोग को भी इस रूम में नहीं आता, बाकी ऊपर में सब क्लास में तो मैथ में आता होगा ना, इस रूम में थोड़ा कम आता है। तो एम जो है वो एम जो है वो मास ऑफ रॉकेट विथ फ्यूल एट एनी टाइम टी, मतलब अभी रॉकेट रुका था अभी तक चल नहीं रहा, अब रॉकेट उड़ना चालू किया। ये जो एम है ध्यान से इस बात को समझेंगे, एम जो है वो कम होगा एम नॉट से, ये तो पक्का है, क्योंकि रॉकेट जब रुका था उसमें पूरा फ्यूल और रॉकेट दोनों था। रॉकेट का भी कुछ वजन होगा ना, ऐसा तो नहीं कि रॉकेट का वजन नहीं होगा भाई, सिर्फ सब फ्यूल ही थोड़ी भरते हैं, उसका डब्बा और बस सब बनाते होंगे कि नहीं मशीन की सीन। तो रॉकेट का पूरा वजन एम नॉट था, अभी रॉकेट उड़ नहीं रहा है, लेकिन अब रॉकेट सनसना के उड़ना चालू किया। हम रॉकेट को कहां से देखना चालू किया, रॉकेट उड़ रहा जब हम देखेंगे और थोड़ी देर बाद तुरंत देखेंगे, मतलब जैसे ये चला रॉकेट होगा, रॉकेट ऐसे चला तो यहां रॉकेट है रेस्ट, जब ये चल के पहुंचा यहां पर हम खड़े हैं, जैसे यहां पर पहुंचा हमने नोट कर लिया टिंग, इसका रिकॉर्डिंग मास इतना वेलोसिटी इतना। अब थोड़ी देर बाद फिर रिकॉर्ड किए, जस्ट थोड़ी देर बाद एकदम डीटी टाइम के बाद इंस्टेंटेनियस तुरंत, यहां देखे यहां देखे कितना चेंज हुआ, हम थोड़े से देर में कितना चेंज हुआ निकाल लेंगे तो पूरा पता चलेगा कि नहीं। तो क्या हुआ ध्यान सुनो, वी वी क्या है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट टाइम टी, टी टाइम पे यहां पे वेलोसिटी वी है। अगला बात सुनेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और नीचे की तरफ गैस निकल रहा होगा उसका, नीचे की तरफ गैस निकल रहा था कितने स्पीड से, वीजी स्पीड से, वीजी। अब देखो आफ्टर आफ्टर स्मॉल टाइम डीटी, एकदम छोटे से डीटी टाइम के बाद वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया ध्यान से समझना, क्या ऑब्जर्व किए, क्या ऑब्जर्व किए, तो ऑब्जर्व किए कि सम फ्यूल गेट बर्न्ड, कुछ फ्यूल जल के बर्न्ड आउट निकल गया बाहर, देन मास ऑफ रॉकेट क्या हो जाएगा बताइए, थोड़ा सा कम हो जाएगा, डिक्रीजेस, क्या हो गया मास बताइए अब इसका, एम माइनस डीएम, ये डीएम फ्यूल बाहर निकल गया जल के, डी क्यों लगा है, सो स्मॉल चेंज को हम लोग क्या लेते हैं, डी ही लेते हैं, तो मान लो डीएम फ्यूल उसका बाहर निकल गया तो रॉकेट का मास डीएम हो गया, एंड एंड और एक चीज हुआ, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट बढ़ गया। अब कोई एक सवाल पूछा कैसे बढ़ गया सर, कोई बता सकता है कैसे बढ़ गया, यह मत बोलना मास कम हुआ तो, यह मत बोलना हम जान रहे थे, कुछ फॉर्मूला वाइज प्रैक्टिकल बात करो, बेकूफ जैसा नहीं, मास कम हुआ तो क्यों हम मान ले मास कम हुआ, कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें हमको यह बात साबित हो जाए, तुम्हारे बोलने पर हम क्यों मान ले मास कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ेगा, कोई जरूरी है मास कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट बढ़ गया यानी रॉकेट का एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, यहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज इसका यह मतलब है रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग, तो किसी का दिमाग नहीं चल रहा, कोई फिजिक्स पढ़ने वाला अच्छा बच्चा नहीं है, रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग कोई पूछ दिया कैसे तो तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है, चलो इधर आ जाओ बेकूफ लोग, देखो सबने पढ़ा है पी मोमेंटम, ये किस पे आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है एम बी, एम बी क्या है कांस्टेंट है, एम बी क्या है कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट ही है रॉकेट का, तो एम एम वी इक्वल टू कांस्टेंट, तो वी इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन एम होगा कि नहीं होगा, होगा बेलोंडा, अब ये कांस्टेंट हटा दे तो वी प्रोपोर्शनल टू वन बाई एम, इस लाइन का क्या मतलब है, ये लाइन का क्या मतलब बताओ, कि अगर अगर मास डिक्रीज होगा देन वेलोसिटी क्या होगा, इनक्रीज होगा, कब, जब मोमेंटम कांस्टेंट, ये ऐसा बोलना चाहिए ना, तुम्हारे बोल देने से थोड़ी मान लेंगे, तुमने बोला मास घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, नहीं हमेशा नहीं बढ़ेगा, तब बढ़ेगा जब मोमेंटम कांस्टेंट,
तो ये देखो ये लॉजिक आप दोगे यहां पे तो पता चल जाएगा रॉकेट एक्सेलरेट हो रही है। तो अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे इस रॉकेट पे, जहां पे वीजी जो है, वीजी जो है वो वेलोसिटी ऑफ गैस है कम्स आउट, बाहर की तरफ आ रहा है। अब नाउ अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एट दिस टाइम, इस टाइम पे आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए। क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ाया गया था, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, यही है ना। इसका मतलब यह है इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, और ये क्या है फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सिस्टम में मतलब जितने लोग हैं, इस सिस्टम में कितने लोग हैं, दो, एक रॉकेट और एक गैस, गैस नीचे मोमेंटम बना रही है ऊपर जा रहा, तो इस सिस्टम में दो लोग हैं, हम लोग इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लिया आपने, जल्दी बताइए, फिर इसको इससे करो माइनस डीएम इंटू डीपी, और इसको इससे करो माइनस वीजी इंटू डीएम, एमबी से एमबी कैंसल, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग। देखो यहां पे लिखो सिंस डीएम एंड डीबी दोनों स्मॉल है, डी का मतलब ही होता है स्मॉल, डीएम एंड डीबी बोथ आर स्मॉल, दोनों छोटे छोटे हैं। अब दो छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करो, चलो एक एग्जांपल दिखाते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 बताओ कितना आएगा, 2 1 2 और पॉइंट कितने डिजिट बाद जाएगी, दो, ये तो और छोटा हो गया ना, 0.1 से भी छोटा है, 0.2 से भी छोटा है। तो जब दो छोटे नंबर को डी, सिंस डीएम एंड डीबी बोथ आर स्मॉल, सो इसलिए हम उसको नेग्लेक्टिंग कर देंगे, नेग्लेक्टिंग मतलब छोड़ देना, उसको हटा दिया जाता है, यह हटा दो तो क्या बचेगा, यहां जीरो बचेगा, यहां माइनस वी डीएम प्लस एम डीवी माइनस वीजी इंटू डीएम। अब इन दोनों माइनस वाले को इधर ला लीजिए, प्लस कर लेते हैं, वी डीएम प्लस वीजी इंटू डीएम इक्वल टू एम डीवी। अब यहां पर डीएम कॉमन ले लो, बस आ गया, एक लाइन और है, v प्लस वीजी ब्रैकेट में डीएम इक्वल टू एम डीवी, इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब क्या करो, टाइम से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको कोई कोई बुक में ना कुछ मान भी दिया था, देखो क्या होता है, वी से स्पीड से ये जा रहा, वीजी स्पीड से गैस निकल रहा, तो हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकते क्या, नहीं समझा, तुम एक सवाल किए हो, याद करो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम सवाल कराए थे रॉकेट वाला, एक रॉकेट उड़ रहा है 5000 की स्पीड से, उसका गैस जा रहा है 3000 की स्पीड से, तो जमीन से कितना गैस स्पीड दिखा, याद आ रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी आप पढ़े हैं क्या, क्या होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, को हम लोग ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, याद है। अच्छा अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये क्या हो जाता था, प्लस, तो देखो तो अब याद आया, ऐसा आया वो साथी, कोई भूला याद आया क्या, तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट प्लस वेलोसिटी ऑफ गैस, बताइए वेलोसिटी ऑफ रॉकेट प्लस वेलोसिटी ऑफ गैस अपोजिट है तो प्लस होगा, को हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू गैस बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी यूज करिए, हो सकता है कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ा होगा तो पूछ सकता है, अपना माइक ऑन करिए, आप सवाल करिए, आई विल गिव यू द जवाब। तो यहां पर रख देंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू गैस, आर मतलब रॉकेट, ये वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है, कोई सोचेगा नहीं बदल गया। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के तुलना में दूसरे का वेलोसिटी, बहुत बार क्या होता है हम हर चीजों को जमीन से देखते हैं, उसकी बात अलग होती है। एक रिलेटिव वेलोसिटी हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं, बेस्ट एग्जांपल, देखो तुम एक ट्रेन पे बैठे हो और एक दूसरा ट्रेन बगल से निकली,
देखो यहां हम बैठे हैं, ट्रेन मेरी भी चल रही है ए और ये बी, तो ये बी ट्रेन, तो तुमको क्या दिखेगा अगर दोनों ट्रेन सेम दिशा में जा रही, तो वो दिखेगा वो धीरे धीरे आगे निकल रहा है, दिखा होगा सबको, दो ट्रेन ऐसे चल रहे, तो वो ट्रेन आपको दिखती धीरे 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 आगे निकल रही है, धीरे धीरे पीछे जा रही है। ये धीरे क्यों दिख रहा है, क्या वो धीरे चल रहा है? नहीं, तुम्हारा ट्रेन का स्पीड अगर 100 है, इसका 120 है, तो हमको दिखेगा 120 माइनस 100, तो ये 20 से ही आगे आ जाता है। अच्छा, दूसरा देखना, अब तुम एक ट्रेन में बैठ के इधर जा रहे हो और दूसरा ट्रेन इधर निकली 80 से, लेकिन उधर जाए लगता है अपने को बड़ा फास्ट, घर 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 ऐसा सन से निकल गए, तो क्यों? क्योंकि ये हमको 100 प्लस 80 180 स्पीड से दिखता है। देखो ये स्लो है मेरे ट्रेन से, फिर भी लगा बड़ी फास्ट है वो, 180 स्पीड से दिखेगा। तो क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी? बहुत आसान है, ध्यान से सुने, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब दो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, इसके तुलना में उसका वेलोसिटी। तो इसको कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ए का वेलोसिटी माइनस बी का वेलोसिटी, दो वेलोसिटी को अगर माइनस कर दे तो रिलेटिव आएगा। अच्छा, अब ये दोनों सेम में चल रहा है तो ये बात सही है। अगर मान लो उसमें कोई अपोजिट हुआ, मान लो बी पलट गया, तो बी पलटा तो उसका वेलोसिटी माइनस में होगा कि नहीं होगा? होगा, पहले दोनों इधर जा रहे थे, फॉर्मूला माइनस है भाई, इसका वेलोसिटी में से इसके माइनस कर दो, रिलेटिव आ जाएगा। बहुत सिंपल है, रिलेटिव मतलब तुलना करना है, हमारा वेलोसिटी तुम्हारे रिस्पेक्ट में, तो आप माइनस कर दीजिए। जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं, एक एग्जांपल जैसे देखिए, एक कार जा रही है एक रोड पे, सुनना सुनना, एक कार जा रही है एक रोड पे, कार का स्पीड है 100, अच्छा रोड पे जा रही है, इसके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और एक व्यक्ति नीचे खड़ा है। देखना हम रिलेटिव वेलोसिटी समझा के ही छोड़ेंगे, ये ए है ये बी। अब बी देखेगा कार को तो जाते हुए दिखेगा कार ऐसे 100 के स्पीड से, ध्यान सुनना, तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी को कार कितने स्पीड से दिखेगा ये हम पूछना चाह रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ कार का वेलोसिटी कितना है 100 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का वेलोसिटी कितना है 0, यानी हमको कार 100 से जाता हुआ दिखेगा। वाओ ग्रेट, रिलेटिव बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसको समझ जाता है मजा आता है। अच्छा उल्टा, अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बी को, अब ए जो कार में बैठा है जा रहा है वो भी तो जमीन वाले लौंडे को देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? तुम जानते हो क्या दिखेगा? वो दिखेगा किधर जा रहा है, कार वाले को क्या दिखेगा? चल तो रहा है कार, लेकिन हमको दिखेगा क्या? फिजिक्स क्या है? जो दिखता है फिजिक्स है, वो दिख रहा हमको उधर जाता हुआ। देखो हम यह बात साबित करते हैं यहां पे, तो वेलोसिटी ऑफ बी ए, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी का वेलोसिटी बताइए, बी कितना है 0, जमीन पे है ना, और ए का वेलोसिटी कितना है 100, मतलब देखना ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए, इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, जो समझदार बच्चे होते हैं इसको ऐसा देखते पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व बाई ए, बी के रफ्तार को ए ने देखा, बी के रफ्तार को ए ने देखा, बी के रफ्तार को ए ने देखा, माइनस 100 दिखा, मतलब बताओ माइनस 100 का मतलब बताओ, माइनस 100 का मतलब कार 100 से इधर जा रही, उसको दिखा माइनस 100, मतलब उसको दिखेगा कि वो इधर जा रहा माइनस, बिल्कुल सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, हम लोग को यही लगता है, जमीन पर से देखेंगे तो लगता है वो अपोजिट में जा रहा है। अच्छा ये है रिलेटिव, क्लियर हो गया क्या? बताइए रिलेटिव वेलोसिटी क्लियर हो गया? तो ये रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा सा यूज होता है फिजिक्स में, थोड़ा क्या बहुत यूज होता है, कुछ नहीं है, माइनस किया जाता है, बस ध्यान रखो, प्लस कब करते जब अपोजिट है। तो अब देखो, तो इसी तरह यहां पर क्या हो रहा है, देखो रॉकेट ऊपर जा रही है, गैस नीचे आ रहा, हम अगर जमीन से देखेंगे तो हमको रॉकेट ऊपर जाता हुआ दिखेगा कितने स्पीड से, इतने, अच्छा गैस हमको नीचे निकलते इतने, लेकिन अगर हम रॉकेट पर ही बैठ के देखें तो देखो यहां पे वेलोसिटी ऑफ रॉकेट सीन बाय गैस ऑब्जर्व बाय गैस, इस गैस ने देखा रॉकेट को कितने स्पीड से जाते हुए, वो जमजम से स्पीड जाता हो, सोचो ये गैस के तुलना में, ये रेस्ट मान लो तो ये बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है? तो उसके जगह पर हम ये पुट कर देंगे, देखो यहां पे, तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू गैस पुट कर दिया हमने, छोटा करने के लिए और कुछ नहीं, पुट दिस वैल्यू इक्वल टू एम डीवी।
अब यहां के बाद तो कोई बच्चा भी बना लेगा, यहां के बाद तो कोई बच्चा भी बना लेगा, कैसे बना लेगा बताइए। अच्छा यहां माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन लगेगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट चाहिए हमको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट चाहिए। ओ, 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 एक सेकंड, थोड़ा सा माइनस साइन देना पड़ेगा हमको, चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस। सुनो आप तुम्हें से पूछ लेता, अब हम तुमसे पूछे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। चलो निकालते हैं अच्छे से, एकदम तमीज से, इसको माइनस ही रखो यार। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए वी लिख रहा है, गैस के लिए पहले जी लिख रहा है, और रॉकेट के लिए आर लिख रहा है। कैसे लिखोगे तुम, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। गैस का वेलोसिटी वी जी है, रॉकेट का वेलोसिटी क्या है, वी है, लेकिन ये दोनों अपोजिट है तो एक में माइनस लगाना पड़ेगा। किसे माइनस लगाएंगे बताइए, इसमें लगाएंगे ना, वीजी में, वीजी में नीचे है वीजी, क्योंकि वीजी नीचे जा रहा है। हाँ तो नीचे जा रहा है ये, तो अब देखिए ये माइनस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, माइनस कॉमन वीजी प्लस वी आर, तो ये माइनस इधर ले लो। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया हमने, हम इसके पहले जस्ट उल्टा लिखे थे। सोचो रिलेटिव वेलोसिटी, ये बात कोई नहीं है, देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोला तो बी ए माइनस बी बी किए। अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोला तो क्या करोगे, बी बी माइनस बी ए, यानी ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, निगेटिव साइन है कि नहीं। क्या हम बोल सकते हैं कि बी ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी बी ए, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो माइनस मल्टीप्लाई करो यार, वही चीज हमने किया। इसके पहले हमने लिखा था वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू गैस, लेकिन हमको निकालना वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो माइनस लगा दो। ये डायरेक्ट भी कोई समझदार बच्चा हो तो डायरेक्ट भी कर सकता था। ये बात समझ में आई, ए बी, ए बी चाहिए तो ए माइनस बी, बी ए चाहिए तो बी माइनस ए, तो ये एक दूसरे का उल्टा है ना भाई, माइनस साइन लगा के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। ये देखो आ गया समझ में क्या, बताइए नहीं आया तो पूछ सकते हैं। ओके तो इधर काम थोड़ा मिटाते हैं। अब देखो इसके जगह पुट कर दो, इसके जगह पुट कर दो, ध्यान दो बच्चों, इसके जगह ये वैल्यू पुट करिए, पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन में डालिए, यह जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। इसको ध्यान रखना है, काम आएगा अपने को आगे, ठीक है। कोई कोई इसको यू भी लिख लेता है, यू बुक में तुम देखोगे तो इसको क्या लिखा रहता है, यू, लिखने के लिए सिंपल करने के लिए, तुम्हारी मर्जी तुम भी लिख सकते हो। यहां से बताओ मेरे को वैल्यू डीवी का, डीवी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डीवी का वैल्यू बताइए क्या आ जाएगा, माइनस बी जी आर अपॉन एम इंटू डी एम, ये आगे यूज होगा, इसको इक्वेशन वन मान के रखें। तो इसको अगर सिंपल करना है तो इसको आप यू लिख लीजिए, और दिमाग में याद रखिए कि यू क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। कर दे यू कि रहने दे, चाहो तो तुम इस सिंबल को, ये जीआर जीआर से मुक्ति चाहिए तो कुछ यू मान लेंगे, और आप इसको यू मान लोगे तो इट विल बी वेरी सिंपल, दिखने में सिंपल हो जाएगा, माइनस यू बाई एम डी एम, देखो ऐसा। और याद रखना है यू क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे, वेलोसिटी चाहिए फिर एक्सेलरेशन भी निकालेंगे, टेंशन मतलब पहले हम वेलोसिटी का फॉर्मूला बना रहे हैं फिर एक्सेलरेशन का बनाएंगे, एक्सेलरेशन का पहले बना दे क्या, तुम बताओ, समझदार बच्चा बता देगा। अगर हमको डी भी पता है और एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt, यानी हम क्या करते हैं दोनों तरफ dt से डिवाइड। चलो अब ये बड़ा मेन इक्वेशन है, तुम इसको एकदम रट जाओ यार, पूरी कहानी इसी से निकलेगी। फिर से हम आपको बता दें इक्वेशन कहां से आया, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, इनिशियल मोमेंटम mv, बाद का मोमेंटम mv mv ये लिए थे, ठीक है। इसमें एक वेलोसिटी दो प्लस में था, इसको हटाया गया, क्यों हटाया गया, नहीं तो क्या होता, बहुत बड़ा दिखता है फॉर्मूला। सोचो यहां पर ऐसा रहता लंबा सा,
तो इसीलिए उसको हटा के इन्होंने शॉर्ट में यू लिख लिया। और याद रखेंगे यू रिलेटिव वेलोसिटी है। अब हम सब कहानी इसी से देखो यहां पे फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन चाहिए आपको ऑफ रॉकेट, तो क्या करिए आप यह इक्वेशन छाप लीजिए पहले डीबी बराबर माइनस यू बाई एम डी एम, इसको डिवाइड कर दीजिए डी टी से। बोथ साइड तो देखो इसे हो जाएगा ऐसा डीबी बाई डी टी इक्वल टू माइनस यू एम डी एम बाई डी टी हो गया। डीबी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, बोलो समझ गया कि नहीं समझा, सबको समझा? ये एक्सेलरेशन आ गया। अब मान लो आपसे फोर्स पूछा जाए, मान लो फोर्स आप कुछ भी पूछ सकते हो आपसे इसमें रॉकेट का फोर्स या थ्रस्ट, थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स को बोलते हैं, थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स। इसको नहीं पता है लिख सकेगा, नाइन्थ में जान लिखा था थ्रस्ट, किसी भी चीज पे परपेंडिकुलर जब फोर्स लगे तो क्या बोलते हैं थ्रस्ट। तो फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ये है। ये हो गया भैया एक्सेलरेशन फोर्स। वेलोसिटी चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करो, डी भी है भी चाहिए, सोचो डी भी है भी चाहिए, याद करो इंटीग्रेशन पढ़ो तुम, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, तो डी भी का इंटीग्रेशन क्या होगा भी, वेलोसिटी आ जाएगा। यस यस, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी भी मिल जाएगा। ठीक है रहने दिया जाए, इतना काफी है, समझ में आ गया? रॉकेट का एक्सेलरेशन निकाल दिए, फोर्स निकाल दिए, वेलोसिटी के लिए आप इंटीग्रेट कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन में ही लगता है, और सेंट्रीपिटल, ये दोनों सी सी से नाम है, दोनों सर्कुलर मोशन में ही लागू है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। इसलिए हम लोग सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे थोड़ा सा। सर्कुलर मोशन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, अगर किसी का छूटा है तो आप पीछे लेक्चर मेरा देखें, मोशन इन ए प्लेन में पढ़ाया गया है। ठीक है, ये एक्चुअली टू डायमेंशन मोशन है, सर्कुलर मोशन इज ए टू डी मोशन, इसलिए हम इसको मोशन इन ए प्लेन टू डायमेंशन में पढ़ा दिए। जब आप किसी सर्कल पे चलते हैं तो आप दो डायमेंशन यूज करते हैं, दो एक्सिस, कौन कौन, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, इसमें चार क्वाड्रेंट भी दिख रहा होगा आपको, तो एक्चुअली ये टू डायमेंशन मोशन हो गया। ठीक है, इसलिए टू डी में पढ़ा था, मोशन इन ए प्लेन भी बोलते, एक सतह में चल रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट चलता है तो एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज हमेशा होते रहता है, बराबर एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज होता है थीटा, थीटा के दो यूनिट होते हैं, आपको याद होगा थीटा को डिग्री में नापा जाता है, थीटा को डिग्री में नापते हैं और रेडियन में नापते हैं, रेडियन जो होता है वो पाई बाई में होता है, रेडियन जो है वो एसआई यूनिट है, याद रखना डिग्री इज नॉट एसआई यूनिट, थीटा को रेडियन में नापा जाता है, रेडियन होता है एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट होता है रेडियन, तो रेडियन यूज करेंगे हम लोग, इसका यूनिट फिजिक्स है तो एसआई यूनिट चलेगा, और रेडियन में तुमको याद होगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी डिग्री का 180 मिला के पाई का 1 पाई रेडियन होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो सबसे पहला चीज कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट एंगल से नापी जाती है, जब वो ऐसे चल रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो नापा जाता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, डेल्टा थीटा। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह जैसे आप ट्रांसलेशन मोशन करते हैं, सीधे सीधे चलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, अब यहां पर हम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जब गोल चल रहे हैं तो दोनों डिस्प्लेसमेंट होता है, सीधे सीधे भी जा रहा है, देखो यहां से वस्तु चल के यहां पहुंची ना, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों डिस्प्लेसमेंट, देखो सर्कुलर में दोनों है, लीनियर भी है एंगुलर भी है, लेकिन लेकिन सीधे सीधे चलते समय यह काम नहीं होता है। ठीक है,
तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये हुआ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा चेंज इन एंगल। तो एक फॉर्मूला मैथ्स का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत यूज होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पढ़े होंगे सबने, पढ़ा है क्या, मैथ वाले जरूर पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री, या आप नहीं पढ़े हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखे होंगे तो वहां भी मिलता है, मिला है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसी से निकालेंगे, थीटा देखो थीटा, आर्क, आर्क कितना है, यह है आर्क आपको, इसको डेल्टा आर बोल दीजिए, स्मॉल आर चेंज इन, या डेल्टा एल बोल सकते हैं, चेंज इन लेंथ कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उससे आप निकाल लीजिए डेल्टा एल बाई, ठीक है, डेल्टा एल या डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर लिखे क्या, डेल्टा आर मतलब चेंज इन पोजिशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक चेंज को क्या बोलेंगे, डेल्टा आर अपॉन रेडियस, ये आ गया चेंज इन पोजीशन। ये क्या है बच्चों, चेंज इन पोजीशन, याद है किसी को, चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, पढ़े हो तुम, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी आप चाहो तो यहां से ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई रेडियस, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। ये क्या है बताइए, डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी वाला, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इक्वल टू ये क्या है बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है रेडियस। तो रिलेशन हो गया लीनियर और एंगुलर में। लीनियर किसको बोलते हैं, जो आप ट्रांसलेशन में पढ़ के आए, याद करो, पढ़े हो तुम, कोई ऑब्जेक्ट यहां से चला यहां पहुंचा x2 x1, तो डिस्प्ले चेंज इन पोजीशन कैसे निकलता था, x2 माइनस x1 डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट, यही है चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, देख लो वही लिखा हमने भी, आर बस हम लिखे, क्या दिक्कत है तुमको, इसमें लीनियर क्यों लगा रहे हैं, डिस्प्ले नहीं लगाओगे तो दोनों को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा भाई, सर्कल वाले में सब में एंगुलर लगाओ और जो पीछे पढ़ लिया उसमें क्या लगा दो नाम में, लीनियर, क्यों, कंफ्यूजन नहीं हो, नहीं तो क्या होगा, दोनों डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो कैसे समझेगा तुमको कौन सा डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लीनियर बोल रहे हैं हम और इसको एंगुलर, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस। अब आते हैं इसका यूनिट, यूनिट डायरेक्शन, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा का एसआई यूनिट बताइए, तो अभी बताया था थीटा को कायम नापो रेडियन, इसका ऐसा यूनिट रेडियन हो गया, डायमेंशन नहीं होता, याद है ना, एंगल एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस, याद रखना। अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, कैसे कैसे, मैं आपको बता दे, मान लो आप ऐसे चल रहे हो चक्री में, चक 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 चक, टुंग टुंग, देखो टुंग, ये थीटा बता दिया इसने, इधर हो गया थीटा का डायरेक्शन, समझा, ये कौन सा वाइज है, ऐसे क्लॉक वाइज है तो ऊपर, अच्छा ऐसा रहा तो नीचे, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों, इसका डायरेक्शन फायरेक्शन सब कुछ, ये राइट हैंड थंब रूल से, यहां पर भी लगा सकते हो, देखो इधर, देखो इधर ऐसे घूम रही है, यहां पर ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ये देखो, ये देखो 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 देखो, ये कौन सा वाइज है बताइए, ये कौन सा वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज है तो बाहर, डायरेक्शन लिख दें, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर एंटी क्लॉकवाइज, ए सी डब्ल्यू मतलब एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये तो आउटवार्ड, किधर डायरेक्शन, आउटवार्ड बाहर की तरफ, अच्छा क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो इनवार्ड, ये तो समझ ही क्या होगा, करके देख लो ऐसे अंदर की तरफ, क्लियर हो गया। तो हमने आपको क्या बताया, इसका फॉर्मूला बता दिया, अच्छा डेफिनेशन नहीं बताया, तो क्या लिख लोगे,
क्या लिख लोगे आंसर? डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द एंगल कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगल ही है, एंगल, एंगल कवर्ड या कवर्ड या स्वैप, स्वैप भी बोल सकते, स्वैप बाई ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जब आप एंगल कुछ बनाते हैं उसी को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ गई, कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, रिलेशन बता दिया हमने इसका। अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे। जैसे डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी पर आया गया था, वहां पे सब वही है भाई, सब वही है। अगर वो याद है तो यहां याद है, वहां पे पढ़े थे तुम चेंज इन पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। फिर वेलोसिटी क्या पढ़े थे? वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर एक्सेलरेशन पढ़े थे, क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। सब चेंज चेंज लेते थे, याद है ना, चेंज जरूरी है यहां पे। ये हम लोग सब लीनियर में पढ़े, अब एंगुलर में आ जाइए। चलिए मिटा दे, इतना नोट कर लिए होंगे। अब हम आ जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी में। अब पूरी कहानी वेलोसिटी पे चलेगी, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी। दूसरा क्वांटिटी है एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी। इसका सिंबल है ओमेगा, डब्ल्यू जैसा रहता मुंह घुमा हुआ। देखो तो वेलोसिटी क्या होता है, सिर्फ आप ये बताइए वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, इंटरवल यानी डेल्टा टी। देखिए तो वेलोसिटी के जगह हम कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी, बस एंगुलर लगा दीजिए इसके नाम में, इसके भी नाम में क्या लगा दीजिए? एंगुलर। तो बन गया फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज भी बोला जाता है इसको, एवीजी। क्यों एवरेज? जब डेल्टा लगाए हैं तो एवरेज चेंज, टोटल चेंज इन एंगल बाय टोटल टाइम, तो एवरेज निकलेगा। एवरेज समझता है ना, टोटल। अच्छा अगर हम इसको इंस्टेंटेनियस कर ले, ये सब तुमको बार बार मिला है, इंस्टेंटेनियस याद है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता था? dx बाई dt। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता था? dv बाई dt। तो इंस्टेंटेनियस में डेल के जगह d आ जाता है, तो d थीटा बाई dt, यानी थीटा का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ओमेगा निकल सकता है। ठीक है, अब इसका आ जाते हैं हम लोग SI यूनिट। डेफिनेशन क्या आएगा यहां पर बताइए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। देखो लोग डेफिनेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी का डेफिनेशन है। देखो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या था? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। वही यहां पे भी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा। तो क्या है? थीटा का यूनिट क्या है बताइए? थीटा का यूनिट है रेडियन, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। अब बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन लेस होगा ये, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन ऑफ ओमेगा। चढ़ गई है तेरे को। देखो थीटा का डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस है। थीटा है डायमेंशन लेस, सब डायमेंशन लेस नहीं है बहुत। अच्छा टाइम का तो डायमेंशन है भाई, टाइम का डायमेंशन क्या है बताइए? टी। तो ऊपर कुछ नहीं डायमेंशन, नीचे टी, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? टी का पावर माइनस वन। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका भी डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन सेम एज थीटा, याद रखो सेम। तुमको एक बात बताते, सौ बात की एक बात, क्या है सौ बात की एक बात? कि लीनियर में जिधर डिस्प्लेसमेंट जिधर वेलोसिटी उधर एक्सेलरेशन नहीं होता था, क्योंकि जा रहा है इधर तो वेलोसिटी इधर, लेकिन एक्सेलरेशन पीछे भी हो सकता है, खींच के रोक रहा हो तो। हाँ जैसे मान लो एक कार जा रही है लेकिन ब्रेक लगा तो पीछे एक्सेलरेशन लगती ब्रेक में। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें, यहां पर जिधर थीटा उधर ही ओमेगा उधर ही अल्फा, तीनों एक तरफ, और रुकेगा तो इसमें भी पीछे होता है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ थीटा सेम एज डायरेक्शन ऑफ थीटा, मतलब ये भी निकाल सकते हो राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल आप इसमें लगा के निकाल सकते हो। क्या निकालेंगे बताइए? दस बार एक चीज निकालते रहे,
वैसे ही क्लॉकवाइज तो बाहर, एंटी क्लॉकवाइज तो अंदर, सेम एज थीटा लिख दे क्या, सेम एज डेल्टा थीटा, बिल्कुल डेल्टा थीटा के जैसा इसका डायरेक्शन है। अब आते हैं, अब इसका रिलेशन चाहिए लीनियर के साथ, रिलेशन चाहिए लीनियर के साथ, ध्यान दो इधर। तो एक फॉर्मूला होता है रिलेशन, देखो रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी, तो जब कोई सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, सुनेंगे इस बात को, जब कोई सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ऐसे चल रहा है मान लो, ये सेंटर हो गया, तो बच्चों इसमें पास दोनों चीजें होता है, ये लीनियर वेलोसिटी भी होता है इसके पास, टेंजेंशियल, ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे चल रहे हो आप, तो इसमें इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है, किधर है लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंट की तरफ, जब कोई सर्कुलर पाथ में चलता है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर लेते हैं, टेंजेंट, लेकिन ओमेगा टेंजेंट नहीं है, देखना कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूज होते बच्चे इसमें, इसीलिए हम डबल डबल पढ़ा रहे हैं, ओमेगा किधर है, ऐसे, भी किधर है, ऐसे, मतलब सर्कुलर में दोनों सोचना है, पीछे जो पढ़ लिए लीनियर वाला भी और एंगुलर वाला भी, बट हम वहां एंगुलर तो नहीं सोचते थे, नहीं सोचते थे, यहां पर वेलोसिटी जो होता है परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, याद रखो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, देखो यहां से चल के यहां जा आ रहा है, यहां पर वेलोसिटी देखो किधर आएगा, इधर, यहां पर कुछ एंगल भी चेंज हो गया आपका, अब ये कितने स्पीड से चल रहा है, ये स्पीड निकालना उसको ओमेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओमेगा, ओमेगा कितना होता है बच्चों, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, मान लो डेल्टा थीटा एंगल बना और टी टाइम लगा इसको आने में, तो ये लेंगे, ध्यान समय ना सब बातें बहुत काम आती है, इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, तो रिलेशन है देखिए, v इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा क्रॉस आर, समझना इसको, यानी लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई रेडियस, इसका प्रूफ भी हम कराए होंगे, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू, सुन लो, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके लिख लीजिए, नोट में क्या लिख लें कि इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ भी चलेगा, भी लिखेंगे समझेगा, किधर है, अलोंग टेंजेंट, किधर होता है, अलोंग टेंजेंट होता है, टेंजेंट की तरफ, परपेंडिकुलर टू रेडियस, ऐसे भी लिख सकते हो, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ओमेगा का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, सही बोल रहे हैं क्या, इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो अंदर या तो बाहर, हम अंदर बाहर नहीं लिख सकते, हम लिखा इस सर्कल के परपेंडिकुलर, जैसे मान लो ऐसे ऐसे चल रहे, तो ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा, क्लियर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा बच्चों, इधर होगा सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर, चलो हमने गाड़ी है समझानी, देखिए ये है सर्कुलर मोशन के लिए, बराबर, तो देखो जब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो आपका ये पेन या तो ऊपर या तो नीचे थीटा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी इधर ही होगा, अब इसमें आप दो बातें करो, एंटी क्लॉक चल रहा तो बाहर, एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर, क्लॉकवाइज तो अंदर, यही गाते रहो गाना बैठ के, एंटी क्लॉकवाइज ई सी डब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर, क्लॉकवाइज तो अंदर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, क्लॉकवाइज एंटी, यानी हम बोल सकते क्या, इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बोलो बे, ये सर्कल ऐसा होगा तो भाई इधर ही होगा, या तो ऊपर या तो नीचे, अच्छा ये किधर होगा, भी ऐसा, देखो ऐसे,
अब इसको फील करते हैं, देखो मान लो कोई गोल गोल घूम रहा, तो वेलोसिटी किधर, इधर, कैसे रस्सी कटेगी तो इधर उड़ेगा ये, सोचो ये ऐसे चल रहा, देखो वो अपना चक्री 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 चलता है ऐसे, इधर फेंकता है आग, देखो ये चक्री घूम रहा है, स, 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 इधर की तरफ आग फेंक रहा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी उसका, देखो ये लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एंगुलर किधर भाई, एंगुलर परपेंडिकुलर ऐसे निकालिए राइट हैंड थंब रूल से, तो जब गोल गोल घूमते हैं तो दोनों वेलोसिटी होता है। एक और नोट सीखेंगे, एक और नोट सीखो भाई, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जितना एंगल बनाया डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, फॉर 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 वन फुल रिवोल्यूशन, मान लो कि सर्कल में तुम पूरा घूम गए एक बार, यहां से चले ऐसा टक 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 यहां आ गए, पूरा घूम गए तो बताइए पूरा घूम गए तो कितना एंगल बना होगा, थोड़ा अंदाजा लगाइए, तो पूरा घूम गए तो कितना एंगल बना, तुमने फॉर्मूला क्या है भाई, ओमेगा का फॉर्मूला है, जितना एंगल बना उसको टाइम से डिवाइड कीजिए, तो पूरा घूम गए तो कितना एंगल बना बताइए, तो एंगल बना है मेरा 2π, सही है 2π, अभी कहीं लिखे तो मिटा दिए, 2π, पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री, तो 2π यानी 360, अच्छा और टाइम जो लगा उसको हम टी बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते, 2π/T, वाओ 2π/T, देखो ओमेगा के दो दो फॉर्मूले हो गए, अब एक लौंडा रट रहा दो फॉर्मूला, ओमेगा 2π/T ओमेगा, ठीक है, अबे बेवकूफ ये फॉर्मूला क्या है, यही है ये भी, ये कब लिखे हम, मान लो 30 डिग्री एंगल बना, 60 बना, 20 बना, कुछ भी बन सकता ना यार, तो θ/T, मान लो पूरा राउंड घूम गए तो 2360, और पूरा घूमने को टाइम पीरियड बोलते, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन राउंड, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, पीरियड मतलब फिक्स है इतने देर बाद रिपीट होगा, तो टाइम पीरियड। एक और इंपॉर्टेंट बात सुन के जाना यार, एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या तुम बचपन में कभी फ्रीक्वेंसी पढ़े हो, क्या आप बचपन में कभी फ्रीक्वेंसी पढ़े, ऐसा न्यू साइन होता है उसका, क्या होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, किसी भी याद है तो बता सकता है तो बता दे, 1/T, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 1/time, बस यही लगाओ यहाँ पे फिर से, तो 2π अब by t, अब 1/T को फ्रीक्वेंसी लिख के चलो आगे फटाफट, यानी 2π by फ्रीक्वेंसी, देख लो ये सब फॉर्मूले देख के बच्चों को चक्कर आ जाते हैं, माथा चकरा जाता है, कहता है ये कहां से आ गया, आप तो ये पढ़ाए थे, अरे भाई ये सब इसी से आया है, छोटी छोटी बातों को जोड़ा हमने, ऐसे नोट में हम पढ़ा दिए, ठीक है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर दिया, कुछ भी छूटा नहीं है, कहीं से भी खोज लो तुम, इतना तुमको एक साथ कहीं भंडार में मिलेगा नहीं, कहीं भी तुम, तो जिस प्रकार ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन आता है, यहां पे भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आता है अल्फा, बताइए आपसे हम सिंपल उसका बात पूछेंगे, एक्सेलरेशन क्या पढ़ाया गया था आपको वहां पे आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया गया होगा बच्चों, क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, बस 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 वेलोसिटी हटाओ और उसके जगह क्या लगा दो, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कुल मिला के सेम ही पढ़ाया जा रहा है, एंगुलर एंगुलर लगा के, डेफिनेशन क्या होगा, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, फॉर्मूला देखिए शॉर्ट में लिखते अल्फा, चेंज है तो डेल्टा तो लिखना ही पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, क्या हम इसको एवरेज बोल दें, बिल्कुल बोल दो यार, डेल्टा है तो लार्ज चेंज है तो एवरेज, अच्छा अगर अल्फा इंस्टेंटेनियस चाहिए तो लगा देंगे डी ओमेगा बाई डी टी, वाओ। अब बात कर लेते दो चीजों के लगे हाथ यहीं पे, जैसा कि हम करते हैं एसआई यूनिट ऑफ अल्फा बता दो बच्चों झटाक से, तो ओमेगा का एसआई यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, और टाइम का हो गया सेकेंड, ये फिर से ऊपर चला गया तो ये हो गया रेडियन सेकेंड का पावर -2, तुमको सेम मजा आ रहा होगा, लूट लूट के पढ़ो, वहां पढ़ोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे रेडियन रेडियन आ गया एंगल है, तो क्या बात है सर, एक ही तरह से लग रहा है मेरे को, अच्छा इसका बात करते हैं डायमेंशन की,
डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ अल्फा, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता, रेडियन का कोई डायमेंशन टाइम का होता है, तो टी का पावर माइनस टू डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, कहे कि वेक्टर है कि नहीं, बिल्कुल वेक्टर है, बिंदास है वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन की बात करिए, डायरेक्शन की बात करिए, जिधर चेंज इन वेलोसिटी है, डायरेक्शन की बात करिए, वही राइट हैंड थंब रूल से ही निकलेगा, सेम कहानी है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, जैसा सेम एक्सेलरेशन है, जैसे कार आगे जा रही है और कार फास्ट हो रहा है तो एक्सेलरेशन सामने है, और कार स्लो हो रही है तो एक्सेलरेशन पीछे, यहां पर भी वही है। अगर ये चक्री घूम रही है अगर वो फास्ट हो रही है, एक्सेलरेट मतलब फास्ट या स्लो होना चाहिए, फास्ट अगर हो रही है तो ऊपर, जिधर वेलोसिटी उधर ही, चलो समझा, अरे ऐसा ऐसा नाच रहा है गोल गोल ऐसे ऐसे, तो अल्फा वेलोसिटी कहां होगा, ऊपर। अगर वो स्पीड बढ़ रहा है तो ऊपर ही एक्सेलरेशन, लेकिन घट रहा है तो एक्सेलरेशन कहां, नीचे, ठीक है। ये सब बातें तुम ध्यान दे सकते हो, क्या कि डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज सेम एज वेलोसिटी यानी ओमेगा, कब, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा हो। अगर डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज अपोजिट टू ओमेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, समझ जाओ रोटेशन का, समझ गया। सेम लॉजिक वहां भी है, जिधर चल रहा है उधर ही एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब क्या होता है, फोर्स, धकेल दिए तो वेलोसिटी बढ़ रहा है भाई। एक्सेलरेशन कहां से आया, फोर्स से, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ा। अगर जा रहा है इधर लेकिन कोई इधर खींच रहा है, एक्सेलरेट इधर कर रहा है, तो क्या होगी, रुकेगी भाई, स्लो होगी, सीधी बात है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ गया होगा। अब इसका भी रिलेशन देखिए, अच्छा इसमें भी डायरेक्शन देख लेते हैं एक्सेलरेशन की, चलिए। तब एक्सेलरेशन में बड़ा कॉन्सेप्ट है यार, बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक्सेलरेशन दो तीन टाइप का होता है, एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं ना भाई, और एक एक्सेलरेशन इधर होता है जिसको बोलते हैं एटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों क्यों सर, बड़ा दिमाग खराब कर दिया आपने, अरे यार हम बताते हैं, देखो सब बताते हैं, रुक जाओ यहां पे, पहले रिलेशन लिखने दो, रिलेशन ऑफ, रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी, सबका रिलेशन एक ही जैसा है, लीनियर वेलोसिटी ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर, सेम था ना, तुम ध्यान दो सबका एक ही जैसा है, लीनियर इक्वल टू एंगुलर वाला इंटू रेडियस, क्या बात है, सही है। यानी ये लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू रेडियस, ठीक है। चलिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं, बताइए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो इसमें क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, होगा थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी से ही एक्सेलरेशन की उत्पत्ति हुई है, चेंज इन वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी में परिवर्तन ही एक्सेलरेशन लाता है। तो हम लोग देखते हैं वेलोसिटी कोई भी हो, लीनियर हो, एंगुलर है, वेक्टर है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसमें दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100 बदल रहा है, अच्छा, और प्लस डायरेक्शन। अगर इन दोनों में से कुछ भी बदला तो वेलोसिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा लौंडा, तो देखिए जो मैग्नीट्यूड चेंज होने से जो एक्सेलरेशन हो उसको टेंजेंशियल, क्योंकि इधर जा रहा है, देखो वेलोसिटी इधर भी तो था, तुमने पढ़ा था, अच्छा डायरेक्शन बदलने से जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं, ओ तो इसके चेंज होने से, चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो उससे जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों उसको बोलते हैं एटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अच्छा हमेशा जरूरी नहीं है टेंजेंशियल हो, कभी कभी नहीं भी हो सकता, मान लो हम एक ही स्पीड से चल रहे हैं,
ऐसा एक ही स्पीड से चलो तो वेलोसिटी तो नहीं बढ़ रहा, वैल्यू चेंज हो रहा है वे, वैल्यू चेंज हो रहा है वे। हाँ बोल दिया लौंडा, कभी हाँ कभी ना, क्या वे दो एक बात पे काय नहीं रहता। अगर हम इसी से चल रहे एक ही वेलोसिटी से तो वेलोसिटी कहाँ चेंज हो रहा है, दस 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 दस, एक ही वेलोसिटी चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जब हम गोल गोल चलते हैं तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर देते हो, टेंजेंट की तरफ, तो डायरेक्शन तो पक्का चेंज होता है। डायरेक्शन क्या चेंज होता है, पक्का। देखो ये पक्का नहीं होता है, इट मे बी जीरो, इट मे बी जीरो, कब कब, अगर अगर वेलोसिटी स्पीड, अगर स्पीड, वेलोसिटी की बात ही मत करो तो, अगर स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सही है कि नहीं। अगर फिक्स स्पीड से चले, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी चल रही है, इधर एक्सेलरेशन है क्या उसमें, नहीं है, टेंजेंशियल नहीं है, क्योंकि एक ही स्पीड से चलती है। पंखा चल रहा है एक ही स्पीड से चल रहा, बहुत सारी चीजें एक ही स्पीड से चलती, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब तुमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया गया, वक्त ये एक्सेलरेशन पढ़ाया नहीं जाता है, ये वाला एक्सेलरेशन पढ़ाया नहीं जाता है, बुकों में नाम भी नहीं दिया, क्यों, क्योंकि जीरो है उस समय। लेकिन एक बात पक्का है, एक बात पक्का है कि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो पक्का बदलेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, टेंजेंट की तरफ, अभी इधर है तो इधर डायरेक्शन, इधर है तो इधर, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, तुम देख लो। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन, तो चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसी, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये पक्का है, ये पक्का है भाई, पक्का, हिंदी में लिखते हैं पक्का, पक्का होगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन पक्का बदलेगा, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ होता है, हिंदी में लिखा करो यार, टेंजेंट की तरफ होता है और वो चेंज होते रहता है, और वो चेंज होते रहता है, यहां लिख लो, और वो अरे यार जगह कम पड़ रहा है, और वो चेंज होते रहता है, ठीक है, लिख लोगे, चेंज होते रहता है, लिख लेना। तो एक बात पक्का हो गया कि सर्कुलर मोशन में दो प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल, एक टेंजेंशियल। ये दोनों एक्सेलरेशन किस वेलोसिटी की वजह से है, भी, अरे ओमेगा कहां गया, उसकी तो बात ही नहीं किया तुमने, अबे तो ओमेगा से भी तो एक्सेलरेशन होगा, तो ओमेगा की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो कौन सा है, अल्फा। यानी कितने एक्सेलरेशन हो गए तुमको, तीन 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 तीन, तीन प्रकार के एक्सेलरेशन, एक्चुअली चार होता है, इन दोनों का एक रिजल्टेंट भी होता है, छोड़ो उसको गोली मारो, ठीक है। तो अभी इसकी बात करेंगे, ये दोनों एक्सेलरेशन भी के वजह से हुआ है, ये भी लिख लो इस बात को, कि एटी एंड एसी दोनों एक्सेलरेशन भी, यानी लीनियर वेलोसिटी की वजह से हुआ है, लीनियर वेलोसिटी के वजह से हुआ, जैसे हुआ। अच्छा एक और, अल्फा ओमेगा के वजह से, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के वजह से अल्फा होगा, अल्फा होगा, और ये भी पक्का होगा, ये भी पक्का होगा, पक्का होगा क्या, देखने दो, हाँ बराबर, क्योंकि गोल गोल घूमेंगे तो एंगल तो चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो ओमेगा होगा, और ओमेगा होगा तो अल्फा होगा, यानी ये भी पक्का होगा, पक्का का पक्का, यानी जब गोल गोल घूम रहा है कोई वस्तु तो कितने एक्सेलरेशन पक्का है, दो, एक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल और दूसरा अल्फा, अल्फा किधर, अल्फा किधर, ऐसे बाहर, ऐसे अंदर, क्लियर हो गया, एक एक चीज तो बोल दो, हाँ बोलो यार,
क्लियर हो गया तो एक एक चीज हाँ बोलो, अल्फा ओमेगा सब कुछ। चलिए तो अब हम लोग एक बात करते हैं, रिलेशन तो हमने बता ही दिया है, और कुछ छूट रहा है क्या मेरा? फॉर्मूले पे आ जाते हैं हम लोग, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला देख लेते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एटी क्या है, तुम पढ़ो यहां पे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके वजह से होता है? चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो इसको ऐसे लिखते देखो, डेल्टा यानी चेंज, मैग्नीट्यूड यानी वी अपॉन टी, डेल्टा टी। समझ गया होगा फॉर्मूला, बहुत अच्छी बड़ी बात नहीं है। अच्छा इसमें डायरेक्शन चेंज, तो डायरेक्शन चेंज को कैसे लिखेंगे भाई? डायरेक्शन चेंज का तो नहीं लिख सकते हम इसमें। तो देखो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला देखते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किसी को याद है फॉर्मूला? ये याद होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला है? वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा अभी तुमने पढ़ा था कि वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े? इसको इसमें पुट कर दीजिए तो एसी का एक और फॉर्मूला मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यानी आर से आर कट गया, यानी इसका एक और फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। अब तुम यहां से भी समझो, तो ओमेगा पक्का होगा, ओमेगा भी पक्का है तो एसी भी पक्का है, वी में चेंज भी पक्का है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये फॉर्मूला है। चलिए सेंट्रीपिटल एक्स, इसका डायरेक्शन कहां होता है? टेंजेंट की तरफ, देख के समझ आ रहा है। इसका डायरेक्शन किधर होगा? एसी इज ऑलवेज एक्स लगता है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी टुवर्ड्स द रेडियस, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रेडियस के तरफ, अलोंग द रेडियस परपेंडिकुलर टू द टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, ऐसा बोलते हैं। एसी इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस मतलब ऐसे रेडियस के अलोंग परपेंडिकुलर चलेगा ना, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े जाए, इतनी बातें हो गया। तो एक्सेलरेशन आपने तीन प्रकार का तो देख ही लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों सिंबल एफसी लिख लीजिए, तो सबको पता है फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन है, या एक्सेलरेशन है तो फोर्स है। तो अब देखिए, जब अभी तुमने 10 बार सुन लिया कि अगर गोल चलोगे तुम, तो एक एक्सेलरेशन है जो एकदम पक्का पक्का होगा ही, कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल। तो जब एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल तो फोर्स भी होगा, यानी जब वस्तु गोल गोल घूमता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगते रहता है, जिसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। तुमने ये बात पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास इंटू एम वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला हो गया। या इसका एक और फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले हो गए। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन की तरफ ही फोर्स होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। अब सुनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई वस्तु गोल गोल चलता है तो पक्का सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सिखा दिया हमने सब। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसी दूसरे फोर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये होता नहीं है, देखो ऐसा है नहीं, चाहिए हमको इतना। जैसे जैसे सुनो, जैसे आप सर्कस में जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एंट्री फीस चाहिए, तो एंट्री फीस हम अपने जेब में लेके चल दिए हो जाएगा भाई, वो दे दो किसी को तुम जाके गेट पे, तभी घुस दे देगा। मान लो झूला पे झूलने जा रहे हैं तो हमको फीस भरना पड़ेगा, पैसा भरना पड़ेगा। वैसे ही आप जब गोल गोल घूम रहे हो तो आपको इतना फोर्स लाना पड़ेगा, काय से भी लाओ, तुम रस्सी बांध के लाओ, तुम ग्रेविटेशन से लाओ, तुम कुछ भी करके लाओ, लेकिन इतना फोर्स लाना पड़ेगा तभी गोल गोल घूम सकते, नहीं तो नहीं घूम सकते। तुमने देखा है जब टर्निंग लेते हैं हम लोग बैंक रोड पे, तो कौन घुमाता है? फ्रिक्शन। अर्थ घूम रहा है कौन घुमाता है? ग्रेविटेशन। पत्थर घुमा रहा है कौन घुमा रहा है? धागा, टेंशन। ये पंखा घूम रहा कैसे? टेंशन। तो कहीं ना कहीं है। तो देखिए एकदम इंपॉर्टेंट बात लिख लो यहां पे, फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर एवरी सर्कुलर मोशन, हर सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, चाहिए, ठीक है।
सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय सम अनदर फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय सम अदर फोर्स, कोई दूसरे फोर्स से प्रोवाइड किया जाएगा. जैसे एग्जांपल, ए मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, एग्जांपल नंबर वन, इन मोशन ऑफ सैटेलाइट या प्लैनेट अर्थ अराउंड सन. जब कोई प्लैनेट सन की तरफ घूमता है, सन के चारों तरफ, ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ, तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रदान कर रहा? ग्रेविटेशन. कौन प्रदान कर रहा? ग्रेविटेशन. तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, तुम्हारी एंट्री फीस किसने भरी? तुम्हारी मम्मी ने भरी. फीस तो भरना पड़ेगा यार, बिना एंट्री फीस का तुम अंदर नहीं जा सकते. क्लियर हो? कोई एग्जांपल याद कर लो, लिख लो एग्जांपल. हम सर्कस में जा रहे हैं, हम डिस्को में जा रहे हैं, पब में जा रहे हैं, एंट्री फीस लगेगा भाई, वो भरो तो जाओ. सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी यहां पर सेंट्रीपिटल इक्वल टू ग्रेविटेशनल होता है, बराबर. मतलब जितना एंट्री फीस चाहिए उतना पैसा निकाल के मम्मी ने भर दिया. ओ, उतना ही भरे, ज्यादा तो नहीं भर सकते. ज्यादा भर देंगे तो जाने देगा कि नहीं? जाने देगा, खुशी खुशी. अरे बाबा जा जल्दी जा, जल्दी जा, फिर आना कल. अच्छा, कम भरोगे तो क्लियर हो गया. मेरा एग्जांपल बेस्ट है, बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, याद रखो. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे एटम है, एटम, एटम में ये न्यूक्लियस है प्लस और ये इलेक्ट्रॉन है माइनस. तो प्लस माइनस को कौन खींच के घुमा रहा है बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक इन एटम. एटम में बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रदान कर रहा है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यानी यहां पर सेंट्रीपिटल इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक. यानी अब की बार मोदी सरकार, अब की बार किसने भर दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने तुम्हारा एंट्री फीस भर दिया. जाको क्लियर है भाई? इतना तो पैसा लगता है सर्कस में आने के लिए. तीसरा एग्जांपल ले लें, एक पत्थर, ए स्टोन टायर्ड विथ किसके साथ? स्ट्रिंग. एक पत्थर घुमा रहा है एक बच्चा, पत्थर ऐसा बड़ा सा पत्थर, टक 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 टक, ऐसा पत्थर घूम रहा है. तो बताइए यहां पर कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स भर दिया तुम्हारा? टेंशन. टेंशन है भैया, टेंशन. सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रदान कर दिया? टेंशन ऑफ स्ट्रिंग. धागा का जो तनाव बल था, खींचने की जो ताकत थी, उसने एंट्री फीस आपका भर दिया. गोल गोल घूमो तुम्हें, और जहां एंट्री फीस कम हुआ तो तुम गए बाहर, भकेल देगा, हट बाहर निकल, पैसे नहीं भरा तुमने, बराबर है कि नहीं? और ज्यादा भर दिया तो खुशी खुशी घूमो यार, मस्त घूमो तुम, एक नंबर. ठीक है, सबको समझ में आ गया? और एग्जांपल दे कि समझ में आ गया? आ गया तो हाँ बोल दो, तो नहीं देंगे तो हम ऐसे देते देते बोर कर देंगे. चलिए तो अब आते हैं हम लोग फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये एक तरह का सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स इन सर्कुलर मोशन. एक बात सुना, इंटरेस्टिंग बात. देखो डिस्प्लेस, देखो ध्यान सुना, ट्रांसलेशन मोशन चैप्टर और सर्कुलर मोशन चैप्टर में तुलना करते हैं हम लोग. यहां था डिस्प्लेसमेंट तो यहां आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां था वेलोसिटी तो यहां आया एंगुलर वेलोसिटी, यहां था एक्सेलरेशन तो यहां आया एंगुलर एक्सेलरेशन, यहां था फोर्स तो यहां भी आया फोर्स, थ्रस्ट आता है थ्रस्ट. अच्छा, यहां पर आया सूडो फोर्स तो यहां तो बाकी कैसे रहता? वो कहे बाकी रहेगा, हम भी आएंगे भाई. तो वो आया सेंट्रीफ्यूगल बनके. क्या नाम था उसका? सेंट्रीफ्यूगल. यानी सर्कुलर मोशन में जो सूडो फोर्स लगता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. चलिए एक एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं. ठीक है बच्चों,
जैसे ये एक ऐसा गोल सा चक्री है, गोल गोल ऐसे घूम रहा है चक्री। यहां पर तुम बैठे हो, मान लो झूले पे बैठे हो या खड़े हो, क्या तुम महसूस करोगे? यू विल फील दैट समवन इज धकेलिंग मी आउटसाइड द झूला, राइट? तुमको लगेगा ना मैं इधर जा रहे हैं, कभी हुआ ही है सबके साथ, गोल गोल में हम लोग ऐसा लगता है इधर गए काम से बराबर। तो भाई हमको तो कोई धकेल नहीं रहा, भाई हमको तो कोई धकेल नहीं रहा, फिर हम जा कैसे रहे उधर? अच्छा जाते नहीं हम लोग, कभी गए कभी तुम गिर गया उधर? नहीं गिरे नहीं आज तक, लेकिन लगता है कि उधर कोई धकेल रहा हमको। तो ये हो गया इधर सेंट्रीफ्यूगल। अब ये होता क्या है, तो सामने की तरफ सेंट्रीपिटल होता है, तो सामने की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सामने खींचता है कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जस्ट उसका उल्टा सेंट्रीफ्यूगल होता है, याद रखना। जो सेंट्रीफ्यूगल है वो जस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, एकदम बस डायरेक्शन उल्टा है। और ये सूडो फोर्स है, ये होता नहीं हकीकत में, अपने को महसूस होता है कोई हमको धकेल रहा, ठीक है? क्यों क्यों सूडो फोर्स आया? भाई आप जो ऑब्जर्वर है कहां है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में पढ़े हो ना। सूडो फोर्स क्या पढ़े हुए? पढ़े हो कि जब ऑब्जर्वर भी चलने लगे, ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट होने लगे, तो आपको बॉडी पे एक अपने मन से फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि विपरीत होगा। तो देखिए इसके विपरीत एक फोर्स लगा दिए, वही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताइए। आ गया बच्चों की नहीं आया? तो देखो when observer is in non inertial frame, क्या होता है non inertial frame? वैसा frame जिसका acceleration हो रहा हो, वैसा frame जिसका acceleration हो रहा हो, observer चलना चाहिए, then pseudo force act on object, वस्तु पे pseudo force लगता है, ठीक है? कहां लगता है? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, सही है? तुमको अप्लाइड फोर्स की जगह पढ़ाया गया होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, बराबर। जिधर एक्सेलरेशन उधर ही फोर्स भी ना, जैसे ये लिफ्ट थी, लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन मतलब लिफ्ट को फोर्स खींच रहा होगा कोई, अप्लाइड फोर्स आगे है इसीलिए, तो वही हम फोर्स के बाद। तो अभी बताइए इस वस्तु पे अप्लाइड फोर्स किधर है? सामने सेंटर की तरफ खींच रहा है सेंट्रीपिटल, तो इसको किधर मिलेगा सूडो फोर्स? पीछे सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर हो गया तो हाँ बोलो, नहीं हुआ तो ना बोलो। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन सर्कुलर मोशन। कब लगेगा ये कहानी? जब तुम कहे पे हो सर्कुलर मोशन पे है, पहली बात। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा इक्वल होता है सेंट्रीफ्यूगल के, यानी एफ सेंट्रीफ्यूगल इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल, ठीक है? तो कितना फॉर्मूला हो जाएगा? माइनस एम ए, माइनस के ऑपोजिट है तो सेंट्रीपिटल। एम ए, ए मतलब ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सही है? आया समझ में? आया कि नहीं आया जल्दी बताइए। इसका फॉर्मूला क्या? सेम फॉर्मूला, माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर और माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, सेम फॉर्मूला बस माइनस लगा लो। आ गया समझ में तो हाँ बोलो। तो सेंट्रीफ्यूगल